आज वाराणसी में तीसरे दिन भी हुआ ज्ञानवापी में सर्वे। सर्वे कार्य पूरा, 17 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। हिंदू पक्षकारों के वकील मदन मोहन यादव का दावा, ज्ञानवापी के वजूखाने में 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला। वजूखाने के पूरे पानी को निकालकर किया गया था सर्वे, इस दौरान विशाल शिवलिंग पाए जाने का दावा। नंदी की प्रतिमा के सम्मुख शिवलिंग पाए जाने का दावा, शिवलिंग की काफी गहराई तक होने की संभावना जताई गई। शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है, उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य का भी बयान, ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिल गए बाबा, नंदी की प्रतीक्षा पूरी। मिल गए कौन से बाबा मिल गए बताइए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। सोहनलाल आर्य ने कहा कि विशाल शिवलिंग मिलने के बाद से हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा ज्ञानवापी परिसर। बहुत बड़ा दिन मानते हम सब लोग, जैसे ही सामने वो जैसे ही वह समय आया मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित उद्घोष हो गया। सोहनलाल ने पश्चिमी दीवार से सटे हुए 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे का किया जिक्र, कहा इस मलबे में दबी है देवी देवताओं की मूर्तियां, इसकी जांच कराने की मांग के लिए अगला कदम होगा। हिंदू पक्षकारों के वकील विष्णु जैन ने भी कहा ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान वजू खाने के बीचों बीच मिला शिवलिंग। अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष के वकील ने किया खारिज, कहा ऐसा कुछ नहीं मिला, शिवलिंग नहीं मिला, नहीं मिला है, नहीं मिला, साफ इनकार है, बिल्कुल साफ इनकार है, समाप्त पूर्व की माना जाए। हाँ अच्छा, अब वकील साहब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। वाराणसी की टीम ने कहा कि कल पेश किए जाएगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, सभी पक्ष को रिपोर्ट से जुड़ी हुई बातें लीक नहीं करने का है निर्देश, किसी ने कुछ कहा तो ये उनके निजी विचार। सरकारों ने बराबर पालन किया, अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार है, इसे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। सर्वे टीम के एक सदस्य आरपी सिंह को हटाया गया, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से जुड़ी हुई जानकारी लीक करने का। हिंदू पक्षकारों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में दी अर्जी, वजू खाने में जहां पर किया जा रहा है शिवलिंग मिलने का दावा, उसे संरक्षित किया जाए, उस जगह पर नमाजियों की आवाजाही पर रोक लगे। सिविल कोर्ट ने शिवलिंग पाए जाने का दावा किए जाने वाली जगह को संरक्षित रखने का आदेश दिया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सच को कितना भी छिपा ले सामने आ ही जाता है। दबा था कि छिपा था कि छिपाया गया था, वह सब तो पीछे जो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मस्जिद धोखे से छीन ली गई लेकिन दूसरे छीनने नहीं देंगे कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई, अंशुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील। इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी कोर्ट के सर्वे वाले फैसले को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ कल 1 बजे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर कर सकती है सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने काशी मथुरा विवाद को नेहरू से जोड़ा, बोले उनके तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से विवाद। केवल काशी मथुरा अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा बल्कि देश में आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे पर ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार,
बिना नाम लिए हुए कहा कि वो करते हैं भ्रम और भय की राजनीति। भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। पीएम मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल में लुम्बिनी में पहुंचे। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में महामाया देवी में मंदिर में पूजा अर्चना की। लुम्बिनी में पीएम मोदी ने बोधि वृक्ष में जल से सींचा, 2014 में खुद भेजा था यह पौधा। पीएम मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भव्य स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री मोदी और देउबा के बीच में द्विपक्षीय वार्ता। आज तक से बातचीत में बोले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, कहा पीएम मोदी के दौरे से भारत नेपाल के रिश्तों में और मजबूती आएगी, आगे बढ़ेंगे। तह है प्रधानमंत्री की जो उन्हें अलहदा रिश्ता है दोनों मुल्कों में। प्रधानमंत्री आप वाराणसी भी गए थे, वहाँ पर पूजा अर्चना की थी वो संसदीय क्षेत्र का। तो आपको लग रहा है कि रिश्ते आगे बढ़ेंगे मजबूती? बहुत आगे बढ़ेंगे। लुम्बिनी में भारत और नेपाल के झंडे के साथ बड़ी तादाद में मौजूद थे लोग। प्रधानमंत्री मोदी से नेपाल में विकास कार्यों की मदद की उम्मीद जताई। नेपाल में भारतीय मठ का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पांचवा नेपाल दौरा है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 5,000 लोगों को संबोधित किया। आज शाम को उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, सीएम आवास पर मीटिंग। सरकार की प्राथमिकताओं और सुशासन के बारे में मंत्रियों को टिप्स देंगे पीएम। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद पहली बार सभी मंत्री करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले शहर को रोशन किया गया, लाइटिंग से जगमगाई राजधानी। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का स्नान करने के लिए उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज तक से बातचीत में कहा कि दंगों की होनी चाहिए जांच, कुछ पार्टियों के नेता रच रहे हैं षड्यंत्र। एक ही आरोप लगाऊं, दूसरी पार्टी वाले किसी आरोप लगाए, उससे कोई फायदा नहीं। देश हित में है कि एक बार दंगों की जांच हो जाए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या के बीच में फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर बार, कहा कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए कश्मीर फाइल्स पर फौरन लगे बैन। हम इतने गिरे हुए हैं, मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कश्मीरियों पर दबाव बना रही है सरकार, सरकार को बदलनी होगी अपनी रणनीति, अपना दृष्टिकोण। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है। दिल्ली में शाहीन बाग समेत कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा एमसीडी का अभियान सही नहीं, कच्ची कॉलोनी और झुग्गी तोड़ने की है प्लानिंग। देश में बीजेपी को नई पहचान देने में जुटी बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत। जेपी नड्डा आज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के राजनयिकों से करेंगे मुलाकात। पहले भी बीजेपी को जानिए कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं 14 देशों के राजनयिक। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम से जुड़ने वाले राजनयिकों को पहले दिखाई जाएगी बीजेपी के जनसंघ से लेकर अब तक के सफर की डॉक्यूमेंट्री। बाद में नड्डा राजनयिकों को विचारधारा से जुड़े हुए सवालों का जवाब देंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर दी चेतावनी, एमएनएस कार्यकर्ताओं के उत्तर भारतीयों पर किए गए व्यवहार पर माफी मांगने की मांग, नहीं तो यूपी की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। कहा कौन राज ठाकरे जो आप किस दुनिया में हो यार? दुनिया में वो आएंगे कहां से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे, उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। चारधाम में यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 36, बद्रीनाथ में दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन, केदारनाथ में भी भारी भीड़।
चारधाम यात्रा के इंतजामों पर उठ रहे हैं सवाल। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने कहा ऑल इज वेल, अब नहीं होगी दिक्कत। गुजरात में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन, पहले दिन गृहमंत्री अमित शाह और सीएम ने लिया हिस्सा, पाटीदार समुदाय और आदिवासी वोट बैंक पर मंथन। अहमदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, उन सीटों पर हुई चर्चा 2017 में जिन पर 5000 से कम वोटों पर जीत मिली थी, महंगाई के मुद्दे पर भी बात। हार्दिक पटेल ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और दिग्गज दिवंगत बीजेपी नेता भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, ट्वीट में उनके अंत्योदय मिशन को सराहा। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के बांसवाड़े में आदिवासियों के बीच में सभा की, बनेश्वर धाम में पुल का किया शिलान्यास। बुद्ध पूर्णिमा से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट, बिहार के गया में पुलिस ने शांति मार्च निकाला। महाराष्ट्र के बुलढाणा में प्याज की सही कीमत न मिलने की वजह से किसानों में नाराजगी, किसानों ने बांटा 200 क्विंटल मुफ्त प्याज, बोरी भर प्याज ले जाते दिखे लोग। कौशाम्बी में एक लड़की के साथ श्रीलंका की लड़की ने रचाया शादी, 20 दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर आई लड़की ने शादी की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत यूपी के कई शहरों में बजाए जाएंगे पीएसी के बैंड, स्मारकों पर सुनाई देगी देशभक्ति की धुन। यूपी डीजीपी को हटाए जाने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा चयन करने वाले भी दोषी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, पहले दिन सीएम ने गोरखपुर को दी 143 करोड़ की योजनाओं की सौगात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 334 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कहा गेहूं का निर्यात बंद कर 10 दिनों के लिए फिर खोली जाएंगी मंडियां। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान। और आज मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। असम में जारी है बाढ़ का प्रकोप, पहाड़ी इलाकों में आई पानी के प्रकोप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। कई जिलों में उफान पर है नदियां, बाढ़ की वजह से रेल पटरियां जलमग्न, कटान के बाद हवा में झूलते दिखे रेलवे पटरी, कई ट्रेनें कैंसिल। सिलचर में बाढ़ के विनाश लीला, गुवाहाटी एक्सप्रेस के सैकड़ों मुसाफिर बीच रास्ते में फंसे, रेलवे स्पेशल ट्रेन से रेस्क्यू किया गया। एयरफोर्स ने किया 115 मुसाफिरों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, यात्रियों ने एयरफोर्स के जवानों को देवदूत बताया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आफत काल, अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन को मजबूर हुए लोग। केरल में कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने, बहादुर जवानों ने 3 मछुआरों को समुन्द्र में डूबने से बचाया। तमिलनाडु सीमा से सटे समंदर में मछली पकड़ने उतरे थे मछुआरे, भारी बारिश की वजह से मुश्किल में फंसी जान, मछुआरों ने बताया कोस्ट गार्ड का आभार उन्होंने जताया। मेडिकल रेस्टोरों में वेटर की जगह खाना परोस रहे रोबोट, सेक्टर 104 में है रोबोट वाला रेस्टोरेंट। फिलहाल 2 रोबोट लोगों को पहुंचा रहे हैं उनकी मनपसंद डिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की तकनीक से करते हैं काम, हर टेबल का डेटा रहता है फीड। राजस्थान के बीकानेर में जंगल में लगी आग, वजू इलाके में इंदिरा गांधी नहर के पास वन क्षेत्र में आग से अफरा तफरी। आईपीएल के पहले मुकाबले में गुजरात ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 134 रनों का ही लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज रुधिमान साह, 87 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत। चेन्नई पर जीत के बाद आईपीएल में नंबर 1 पर बरकरार है गुजरात की टीम, 9वें नंबर पर है धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रनों से मात दी, लखनऊ के बल्लेबाज फिर फेल, रोमांचक हुई प्लेऑफ की जगह। राजस्थान ने 178 रनों के जवाब में लखनऊ की टीम सिर्फ 154 रन पर सिमटी, राजस्थान जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर।